भारत सरकार की पूर्व मंत्री प्रदीप जैन से फर्स्ट समाचार संवाददाता सचिन राज भट्ट ने की चुनावी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सचिन राज भट्ट और आप देख रहे हैं फर्स्ट समाचार। मैं खड़ा हूं इस समय शिवपुरी में और हमारे साथ आज मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप आदित्य जैन जी। आइए जानते उनसे कि शिवपुरी जिले की 5 सीटों पर जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वो किस तरह से चुनाव लड़ रही है और क्या कुछ लगता है उनको शिवपुरी विधानसभा में। केपी सिंह जी एक बड़ा चेहरा है, वो 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, 7वीं बार कांग्रेस ने उन्हें शिवपुरी से टिकट दिया है। आइए बात करते हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो ये शिवपुरी विधानसभा से पिछोर विधायक केपी सिंह जी, जो अब शिवपुरी से उन्हें टिकट मिला है, तो क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह से वो जीत दर्ज कराएंगे? केपी सिंह एक ऐसा नाम है जिस नाम ने कभी भी किसी क्षेत्र के अन्याय नहीं होने दिया। पिछोर हो, शिवपुरी हो, ये उनकी कर्म भूमि है और मैं ये मानता हूँ छात्र जीवन से वो शिवपुरी से जुड़े रहे और वो चुनाव मैदान में हैं। बहुत बड़े अंतरों से वो जीतेंगे क्योंकि उनका चुनाव शिवपुरी की जनता लड़ रही। अच्छा, एक और बात सामने आ रही है जहां देवेंद्र जैन ने उन पर इस तरह के आरोप भी लगाए हैं, जगह जगह पोस्टर लगवाए हैं कि वो आतंकी हैं और डर और भय का माहौल बनाएंगे, तो क्या लगता है, आप तो कई सालों से केपी सिंह जी को जानते हैं, उनके साथ काम किया है आपने, क्या ऐसा है? क्या केपी सिंह जैसा न्याय करने वाला कोई नेता पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगा और पिछोर के अंदर जहाँ लोगों के विवाद हो जाते, जहाँ लोग महीनों तक चक्कर काट काट के अपनी समस्या नहीं निपटा पाते थे, जब से केपी सिंह राजनीति में आए उन्होंने लोगों के अंदर न्याय के प्रति आस्था व्यक्त की। एक व्यक्ति नहीं कह सकता जिस व्यक्ति की जमीन पर कब्जा केपी सिंह जी ने करवाया हो और किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व को संरक्षण दिया हो। एक मजबूत आदमी जो अंतिम व्यक्ति के हक के लिए खड़ा, उसका नाम केपी सिंह कक्काजू है और इस तरह के आरोप, अनर्गल आरोप कोई भी लगाए उससे जनता के मन मस्तिष्क पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ के शिवपुरी के व्यापारी भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? व्यापारियों को अगर सामाजिक सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, शिवपुरी को पहचान चाहिए, जो शिवपुरी की मार्केट है, तो वो पहचान क्योंकि बड़े अंतर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे और केपी सिंह जी, उनकी पोजीशन सबसे अच्छी होगी मंत्रिमंडल में। मुझे लगता है कि जो शिवपुरी का विकास रुका हुआ है केपी सिंह कक्काजू के बनने के बाद, वो विकास द्रुत गति से दौड़ेगा। मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, सरकार कांग्रेस की बन रही और उनके सहयोग से कक्काजू जब बड़े ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे तो बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने वाली है जिससे शिवपुरी का एक नया इतिहास सृजित होगा। अच्छा, अचानक से जैसे प्रत्याशी देवेंद्र जैन जी हैं, उनके भाई अभी कांग्रेस में चले गए, फिर अपने भाई के प्रचार में भाजपा में आ गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक ऐसा मतलब नेता जो पहले ज्वाइन करता है फिर उसके बाद भाजपा में चला जाता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनके ज्वाइन करने या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल बात यह है कि इस क्षेत्र का सशक्त ढंग से विकास के लिए नेतृत्व कौन करेगा। आज जनता चुनाव लड़ी, किसका चुनाव जनता लड़ती है? कांग्रेस ने तो उन्हें प्रत्याशी बनाया, वो पीछे नहीं हटे। कांग्रेस ने उन्हें पिछोर की जगह शिवपुरी से लड़ाया तो उन्होंने कहा हम शिवपुरी से लड़ेंगे क्योंकि वो हाई कमान के निर्णय को मानते हैं और आज जो चुनाव वो लड़ रहे हैं वो चुनाव के ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। और जिस तरह से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं, लोगों में एक लहर है कि हमें शिवराज सरकार के ताबूत में इस चुनाव में अंतिम कील ठोकनी है, तो अब वो कील ठोक रही और शिवपुरी से ऐतिहासिक मतों से लगभग कितनी सीट पे जीत होगी? 5 सीटें हैं शिवपुरी जिले में। शिवपुरी में पांचों ही सीटें कांग्रेस जीत रही है क्योंकि कक्काजू जब शिवपुरी से चुनाव लड़ रहा है तो उसका पूरा व्यापक प्रभाव पड़ा है। चाहे हम कोलारस को देखें, चाहे करेरा, कोई भी सीट, पिछोर भी हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री भारत सरकार से आदित्य प्रदीप जैन जी, जिन्होंने बताया कि शिवपुरी जिले की 5 सीट कांग्रेस जीत रही है। और पिछोर विधायक केपी सिंह जी के बारे में भी बताया कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, और जैसा माहौल विपक्ष ने, देवेंद्र जैन भाजपा ने बनाया है, वो माहौल बिल्कुल निराधार है। और अगर केपी सिंह जी यहां से चुन के आते, एक चीज़ और कहना चाहते हैं, एक भी व्यक्ति अगर शिकायत करने वाला मिल जाए उनके पूरे सार्वजनिक जीवन में कि जिसकी ज़मीन पर उनके द्वारा तो कुछ भी नहीं, उनके किसी आदमी ने भी कब्जा किया हो या उन्होंने किसी अपराधी को संरक्षण किया हो, तो मैं कहूँगा कि वो उस व्यक्ति को मैं पुरस्कार दूंगा। कोई घटना छात्र जी, ये ज़रूर है कि अगर कोई अन्याय करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, अत्याचार करने वाला क्षेत्र में कोई अपराधी होता है तो उसके खिलाफ सीना तान के केपी सिंह खड़े होते हैं। तो यहाँ जो है पूर्व भारत सरकार के पूर्व मंत्री जी प्रदीप जैन आदित्य जी ने बताया कि केपी सिंह जी एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, और शिवपुरी जिले की 5 सीट कांग्रेस जीत रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सचिन राज भट्ट, फास्ट समाचार, शिवपुरी पिछोर।